Alô? भाई आपको आज कौन सही कौन गलत दृष्टिकोण नजरिया इसके बारे में बताने वाला हूं। होता क्या है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, मैं सही और वह गलत। इसमें तो पूरे पूरे दुनिया का झगड़ा चालू है, मतलब इसकी वजह से तो झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में, बेटा और बाप में, भाई भाइयों में, देश देशों में, कि भाई सही कौन गलत कौन। हर एक को ऐसा लगता है कि मैं सही हूं और वो गलत है। पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो पति को लगता है कि मैं सही हूं, मेरा दृष्टिकोण बराबर है। पत्नी को लगता है कि मैं सही हूं, मेरा दृष्टिकोण बराबर है। सास और बहू की पट्टी नहीं है, उसमें भी वही होता है कि सास को लगता है कि अभी अभी शादी करके बहू घर में आई है, उसको क्या समझता है मैं सही हूं, और बहू को ऐसा लगता है कि सास अभी पुराने जमाने की है, उसके विचार पुराने हैं, उसको कोई समझता नहीं है मैं सही हूं। तो पूरा झगड़ा जो है वो सही गलत का झगड़ा है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, और कोई किसको सुनने को तैयार नहीं। एक्चुअली होता यह है कि हर व्यक्ति को अपने अपने नजरिया से, मतलब अपने अपने नजर से वो देखता है उसको, तो उसको लगता है कि हाँ मैं बराबर हूं। उसके नजर से, मतलब उसके जूते में जाके उसको जैसा दिखता है वैसा मैं देख सकता हूं क्या? उसको जैसा दिखाई देता है उसको मैं देख सकता हूं कि वैसा? क्योंकि हर एक घटनाएं अलग अलग नहीं होती, घटनाएं सेम होती रहती है। समझो वातावरण में घटना एक हुई, और घटना एक होने के बाद में उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है, वो अलग अलग बनती है। उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, उसका मीनिंग अलग लगाया जाता है, उसका देखने का नजरिया, जो अपने दिमाग में जो विचार है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार है, वो विचारों से उसका मीनिंग लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी उदाहरण के तौर पे बताने का है तो एक बड़ी फ्लैट सिस्टम है, चौथे मंजिल पे रहने वाला जो बच्चा है, सातवीं क्लास में पढ़ने वाला, तो उसको 35% मार्क्स मिल गए, तो उसमें वो फ्लैट में मातम मनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे को कम से कम 80% मार्क मिलने को होना था, उसको 35% मार्क्स मिल गए तो मातम मनाया जा रहा है। और दूसरे मंजिल पे जो फ्लैट है वो लड़के को 35% मार्क मिले तो सेलिब्रेशन करके जा रहे। क्यों? बोले पप्पू पास हो गए। मतलब 35% मार्क मिले तो एक जगह सेलिब्रेशन हो रहा है, और 35% मार्क मिले तो एक जगह मातम मनाया जा रहा है। देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो हर एक ने ये देखना है कि भाई यदि झगड़ा होता है तो क्या मैं उसके नजरिए से देख सकता हूं, क्या वो जैसा देख रहा है वैसा मैं देख सकता हूं। मेरी मुर्गी की एक ही टांग, मैं जैसा बराबर हूं वैसे ही सही है, मेरी आवाज सुनो, और ऐसा बोल के किसको डोमिनेट करना, लोगों के ऊपर प्रेशर डालना। उसमें होता क्या है कि मन में बहुत कटुता आती है, फिर लोग जोर जबरदस्ती मांग तो लेंगे कहना, मगर फिर झगड़े होते रहते हैं, फिर लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अभी देखो उदाहरण के तौर पे समझो, भी ये मेरे पास में कागज है, भी ये कागज के ये बाजू में लिखा हुआ है पूरा, टाइप किया हुआ है, और ये बाजू में कागज है पूरा कोरा है। अभी समझो सामने मेरे कोई व्यक्ति खड़ा है, और उसको मैंने बोला कि भाई ये कागज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो बोलेगा हाँ इसमें लिखा हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि इसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं, कागज कोरा है। अब कौन सही कौन गलत है, उसके नजर से देख लिया तो बराबर है कि वो कागज के ऊपर काफी सारा मटेरियल लिखा हुआ है, मेरे तरफ से देख रहे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ भी लिखे नहीं, फिर सही कौन और गलत कौन है। तो जहां जहां, और होता क्या है कि काफी बार जब जब झगड़ा शुरू हो जाता है, मतलब वाद विवाद शुरू हो जाता है, तो उसका जो कारण है, मतलब जहां से वो बातचीत चालू हो गई, वो मुद्दा तो बाजी में हो जाता है, और बाद में धीरे धीरे वाद विवाद इतना बढ़ते जाता है कि फिर सही कौन और गलत कौन, और मेरा पॉइंट प्रूव करना, उसके ऊपर ही फिर वाद विवाद शुरू हो जाता है। मतलब वो जो उसका जो कारण है, सोर्स है, वो तो उसके ऊपर कोई हल होता नहीं है, उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं करता, फिर बाद में धीरे धीरे बातचीत बढ़ते 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 जाती है,
और फिर उसके ऊपर मैं कौन, मैं मतलब सही कौन गलत कौन, उसके ऊपर वाद विवाद चल हो जाता है। तुमको क्या करना पड़ेगा, पति पत्नी में हो वाद विवाद, या कर्मचारी या बॉस जो है अधिकारी उसमें वाद विवाद हो, बहु सास में हो या दोस्तों दोस्तों में हो, यदि कहीं भी वाद विवाद होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है भाई मुझे देखने दो कि वो उसका नजरिया क्या है, वो कैसा उसको देख रहा है, क्या मैं वैसा उसको देख सकता हूं, और उसके जूते में पैर रख के मैं वो नजरिए से या वहां से उसके नजर से देख सकता हूं क्या, वो मुझे देखना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने हार खाना है या मैंने दो कदम पीछे आना है, ऐसा भी उसका मतलब नहीं है। मगर हम झगड़ा कब तक करते बैठेंगे? आप मेरा लेक्चर सुन रहे तो आप डेफिनेटली ये तो कर सकते हैं कि भैया झगड़ा भैया वाद विवाद, आप तो बोल सकते ठीक है मैं देखता हूं कि आप कैसा देख रहे हो। अल्टीमेटली ये भी आप कर सकते हैं कि ठीक है आप जो बोलते हैं वो मुझे नामंजूर है, वो आपका मत है, आपने जो बोला वो आपका ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है, और हम दोनों इसके ऊपर एग्री होते हैं कि हम डिसएग्री है, हम दोनों के मत विभिन्न है, इसके लिए मत भिन्नता है, इसके लिए हमारे मत एक है, इसके बोलते शेक हैंड, ऐसा बोल के शेक हैंड करके हम जा सकते हैं ताकि झगड़ा ना हो। तो यदि हम करते हैं तो नजरिया जो है हमारा देखने का, वो हर एक का हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या बोलना है, वो उसको क्या बोलना है, उसको 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 उसके मन में क्या है वो हम सुन सकते हैं और एक अच्छे संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। सो अधिक जानकारी है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल है और काफी सारे वीडियोज है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और फेसबुक के पेज को भी लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।